पति पत्नी के बीच कुछ बातों को लेकर लड़ाई झगड़ा होने लगता है। पति पत्नी का एक पवित्र रिश्ता होता है। पत्नी के साथ गुस्से में बात करने से भी रिश्ते में कड़वाहट आ जाती है। अपने पार्टनर का सम्मान न करने से भी रिश्ते में खटास आ जाती है। अर्थशास्त्री आचार्य चाणक्य ने नीति शास्त्र में जीवन से जुड़ी सभी प्रकार की समस्याओं के समाधान के बारे में बताया है। उनके द्वारा बनाई गई रणनीति पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। नौकरी, व्यापार, मित्र और शत्रु सहित जीवन की सभी आवश्यकता चीजों का वर्णन चाणक्य नीति में मिलता है। आज के इस वीडियो में हम आपको चाणक्य द्वारा बताई गई उन आदतों के बारे में बताने वाले हैं जो पति पत्नी के रिश्ते को बर्बाद कर देती है। पहला, गुस्सा करना। आचार्य चाणक्य के अनुसार गुस्सा करना किसी भी रिश्ते के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। अगर पति या पत्नी में से कोई भी व्यक्ति गुस्सा करता है तो वो धीरे धीरे अपने रिश्ते को भी नुकसान पहुंचाने लगता है। गुस्सा की वजह से एक दिन ऐसा आ जाता है जब रिश्ता खत्म होने के कगार पर पहुंच जाता है। दूसरा, सम्मान न करना। किसी भी रिश्ते में सम्मान बेहद जरूरी होता है। अगर पति या पत्नी एक दूसरे का सम्मान नहीं करते तो उनका रिश्ता ज़्यादा दिनों तक नहीं टिका पाता है। रिश्ते को बनाए रखने के लिए जरूरी होता है कि दोनों एक दूसरे का सम्मान करें। तीसरा, आपस में बात न करना। हमारे समाज में पति पत्नी के रिश्ते को एक गाड़ी के दो पहिए की तरह देखा जाता है जिसमें दोनों का तालमेल जरूरी होता है। इसके लिए जरूरी होता है कि दोनों के बीच में बातचीत हो, आप अपनी हर अच्छी बुरी बातों और आदतों को शेयर कर सकें। चौथा, झूठ बोलना। झूठ बोलना कभी भी सही नहीं होता है। अक्सर लोग अपने पति या पत्नी से बातें छुपाना शुरू कर देते हैं जिसकी वजह से रिश्ता कमज़ोर होने लगता है। लंबे समय तक झूठ बोलने से रिश्तों में कड़वाहट आना शुरू हो जाता है और रिश्ता टूट जाता है। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।